साढ़े चार बजे आई थी भैया जी, तो आगे देखा लॉक लगा था गेट का और अंदर का जाली का और लाबी का दरवाजा लॉक तोड़ा था किसी ने, और अंदर जो दीवान बेड वगैरह जो तीन चार बेड सभी कमरे में लूट मार करके सभी खलार बाहर फेंक के चल गए हैं। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बाहर फ़ोन किया, उन्होंने बोला बाहर हस्बैंड को फ़ोन करो और नाके वाले पुलिस को बोलो वोट करो। फिर मैं उधर गई तो फिर उधर बोल के वो भी आए थे देख दूर के चल के, तो फिर मैंने वीर को फ़ोन किया, वीर बाबे को, उसने SH को बुलाया। बस मैं यही है कि सब कुछ आगे से नहीं ऐसा काम होना चाहिए। हम गांव में रहते हैं दोनों, मेरी लड़की छोटी है और मैं, दोनों मेरा हस्बैंड बाहर है आर्मी में। तो कितना नुकसान हुआ आपके? नुकसान हमारा बहुत कर गए, गाल मारी वगैरह सब कुछ तोड़ फाड़ गए करके चल गए। पुलिस से क्या मांग करना चाहेंगे? पुलिस से यही है कि हमारा आगे से देखना कोई ऐसा कोई नुकसान नहीं हो रहा, पहले बहुत नुकसान करके चल गए हमारा। चोरी हुई है, उस चोरी की वारदात की जैसे ही हमें रिपोर्ट मिली ऐसे ही हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया उसी टाइम, और पुलिस मौके पर पहुंची। आज उनके घर का जायजा लिया जहां पे काफ़ी सारा इन्होंने जो चोरों ने आतंक मचाया हुआ था, घर का जो सामान बिखेर दिया सारा, गार्डन बारी तोड़ दी और घर का जो जितना सामान था उसको तोड़ फोड़ की हुई है। हम चाहते हैं कि जो पुलिस से मांग करना चाहते हैं, जो हथियारे जो जितना भी नुकसान किया है इन चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, आइंदा ऐसी चोरी वारदात ना हो, क्योंकि ये चेक पोस्ट के बिल्कुल ऊपर जो तकरीबन 10-20 मीटर के ऊपर चोरी हुई है, ऐसी चोरी की वारदात नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि पुलिस नाका जहां पे लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी जहां पे चोरियां हो रही हैं, काफ़ी चोरियों का ग्राफ जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ा है, रामगढ़ में बढ़ा है, जो मैं पुलिस को भी कहना चाहता हूँ, सांबा SSP साहब को कहना चाहता हूँ कि ऐसे चोरों पर जल्दी लगाम लगाई जाए और चोरों को जल्द दर्द पहुँचाया जाए और इनको राहत मिले। जो परिवार है ये काफ़ी सदमे में पहुँचा हुआ है कि जहाँ पर हम कैसे रह पाएंगे, तो मैं पुलिस से ये मांग करना चाहता हूँ कि चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए।